evening, salam namaste, sasriyakal. This is Pallav Ghosh from Radiance Media. I have Jyoti Gambhir, who has her own line, Delicious Bikes, and young entrepreneur from Punjab. She will tell herself about her business. Jyoti ji, aap hame apne Delicious Bikes ke baare mein kuch bataye pehle. Delicious Bikes maine aaj se 3 saal pehle start kiya tha. So ye maine shuru kiya tha apne daughter ke liye, ek passion. Jaise matlab mere ko tha ki main apni, to maine kya karna life mein, matlab bachchon ka bhi अपना हो गया फ्यूचर, मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है, मैं तो इनके नाम से जाने जा रही हूँ, तो मेरा क्या वजूद है. तो उसके लिए मैंने घर से स्टार्ट किया. मेरे को नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. तो ये मेरा पैशन था, पैशन और मैं कभी यहाँ अटेंड करने आती थी ये ट्रेड फेयर वगैरह, मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी मेरा भी स्टॉल होगा यहाँ. तो मेरे को काफ़ी अच्छा. ज्योति जी, आपके प्रोडक्ट्स में जो देखने को मिल रहा है, बेसिकली आप स्पेशलिस्ट इन कुकीज़ हैं, तो इस बारे में हमें पहले बताएं कि किस तरह से कुकीज़ ही क्यों आपने चुना. कुकीज़ क्या है कि जो हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स लेते हैं मार्केट में, आप सुबह एक चाय की कुकीज़ लेते हैं, उसके साथ आप टेस्ट के साथ प्रिजर्वेटिव, हम बेसिकली कर रहे हैं टेस्ट विद. मेरे को कई लोगों ने चैलेंज किया कि आप प्रोडक्ट बनाओगे अगर या तो हेल्दी होगा या टेस्टी होगा. मैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा. ज्योति जी, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताएं. आप कह रही थी इससे पहले कि आप लोग प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं, सब नेचुरल इस्तेमाल करते हैं, और जो आप नेचुरल इस्तेमाल करते हैं वही आप बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हैं कुकीज़ के उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं. जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, हम मिलेट्स, होल ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, इन्हीं के साथ ही फ्लेवरिंग करते हैं हम. ना तो फ्रूट मतलब उसमें प्रिजर्व सेंस डालते हैं, ना कलर डालते हैं उसमें. हम वाइट शुगर भी नहीं यूज़ करते, रेड शुगर यूज़ कर रहे हैं. प्लस इसमें जैसे मोस्टली देखिए इसमें क्या होता है कि आप वेजिटेबल शॉर्टनिंग डालते हैं जो हमारे हार्ट के लिए या और हमारे लिए हेल्थ भी अच्छी नहीं है. तो नो डाउट कि हम लोग ढूंढते हैं कि हमें चीपर प्रोडक्ट्स मिले, बट हम ये नहीं देखते कि उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो कहाँ तक हमें अफेक्ट करता है. जी, हमारे प्रोडक्ट्स नो डाउट कॉस्टली हैं जी, बट ये है कि हम अगर जैम भी बनाते हैं जी, तो जैम भी हम प्रॉपर फ्रूट से बना रहे हैं, उसको कलर नहीं देते जी. तो ये इसी के साथ जैसे ये रागी की कुकीज़ है, आपका खाली ये नहीं है कि आपने कुकी बनाई, जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो कहाँ से ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट आपका वैसा ही होगा जी. जी, ठीक है. तो इसके अलावा क्या है कि इसमें हमने वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स नहीं डाली, फिर उसके बाद इसके आपके लेबर कॉस्ट डलती है, आपकी पैकिंग चार्जेस डलते हैं, हर चीज़ आपकी मायने रखती है. जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसकी कॉस्ट अपने आप वेरी होती रहती है. तो मेरे को लगता है कि ये जो भी खाता है उसको तो अच्छी लगती है. कुछ लोग कह जाते हैं कि टेस्टी बहुत है पर कॉस्टली है, कोई कह सकता है कॉस्टली नहीं है, आप उसकी कॉस्ट और भी रख सकते हो बढ़ा के. आई हैव माई कोलीग अजीत विथ मी, ही विल बी आस्किंग समथिंग. ज्योति जी, आपने जैसे बताया कि आप शुगर, वाइट शुगर नहीं डालती है या वेजिटेबल शॉर्टनिंग नहीं डालती है, तो क्या रॉ शुगर में खांड होता है, देसी खांड या शक्कर? खांड होती है, शक्कर जैकी होती है. और एक चीज़ और बताइए कि जब जो लोग लेते हैं, जो कस्टमर्स की फीडबैक की मैं बात कर रहा हूँ, लोग आपने जैसे कहा कि टेस्टी और हेल्दी दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो जब आपने पहले बनाया और फिर कस्टमर्स को दिया, तो लोगों का कैसा मतलब फीडबैक मिला आपको? लोगों को लगा कि ये टेस्ट खाली, जैसे आज ही एक टेस्ट मेकर आए, वो कहते हैं मैं काफ़ी जगह मैं काम ही कर रहा हूँ टेस्ट मेकर का, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रोडक्ट में जो है, जैसे पहले हमारी ज़ुबान पे सवाल आता है, हमारी नाक में आता है, और हमें मतलब पता चलता है उसका आफ्टर इफेक्ट कितना, मतलब मोस्टली होता है कि हम जो बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता. कहते हैं ये खाने के बाद, उसके बाद वो और अच्छा लगने लगता है जब हमारे यहाँ पे. बाकी आपने भी टेस्ट किया तो मेरे से बेटर आप बता सकते हो. मेरा कहना ये है कि मैंने नहीं सोचा मेरे प्रोडक्ट में. बिल्कुल, हम लोगों ने खाया, हमारे कलीग पल्लव ने भी खाया, हमने भी खाया, टेस्ट किया तो अच्छा लगा. और एक बार पहले भी हमने लिया था जब आप नहीं थी स्टॉल पर, तो और ये, लेकिन मुझे एक चीज़, एक प्रश्न मेरे दिमाग में है. कई बार क्या होता है कि जो मदर्स हैं और या इंडियन फैमिली में सिस्टम है, तो कई लोग का एक होता है कि भाई हमारे बच्चे भी हेल्दी टेस्टी स्नैक्स खाएं, और हम लोग के साथ जीवन में ये समस्या बहुत होती है कि बच्चे जो स्नैक्स खाते हैं या मिलता है मार्केट में,
वो अनहेल्दी मिलता है, बर्गर हो, समोसा हो, जो भी हो या पिज्जा हो। तो ये भी एक क्या मोटिवेशन था आपके, मतलब मेरा मेन मोटिवेशन, मेरा स्टार्ट मेरी डॉक्टर से हुआ था, उसको मिलने लगा। तो पहले तो मैंने वीगन स्टार्ट किया, वीगन से मेरे को लगा कि मतलब वीगन मिलते हैं प्रोडक्ट्स बट उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। तो फिर मैंने कहा विदाउट प्रिजर्वेटिव, मतलब अगर जिसको फूड एलर्जी है उसको आप फूड एलर्जी वाला प्रोडक्ट तो दे रहे हो बट उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के दे रहे हो, तो उसकी कहाँ तक उसके लिए बेटर है। तो फिर मैंने उस पर भी किया काम वीगन के साथ। मेरे को लगा कि जो प्रिजर्वेटिव भी प्रोडक्ट है खाली मेरी प्रॉब्लम है, हमारी आने वाली जनरेशन जो इतनी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स खा रही है, मतलब उसको सिर्फ ये लग रहा है ये टेस्टी है वो टेस्टी है, ये खा ले वो खा ले, बट वो ये नहीं देखते कि ये बढ़ रही है। एक चीज़ और, मतलब एक विजन की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो आप कहाँ पे देखते हैं, मतलब कितने हज़ार फैमिलीज़ को या कितने लाख फैमिलीज़ को आप हेल्दी फूड दे पाएंगे अगले दो तीन सालों में या पाँच सालों में, जो एक मतलब सोच रहे हैं कि हम कितने लोगों तक पहुँच पाए, अच्छा खाना दे पाए, जो आपका मकसद था शुरू करने की बात करने का। देखो आज से तीन साल पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मेरे 20,000 लोगों का उससे भी ज़्यादा फेमस हुआ करेगा। तो मेरे को नहीं पता कि आगे और कहाँ तक पहुँचेगा, मैंने यहाँ तक भी नहीं सोचा था, मैं आगे भी नहीं सोच रही। मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे पहुँचेगा, मेरा मन तो है कि ऑल ओवर इंडिया जाए, एक्सपोर्ट लोगों तक पहुँचे, मेरा प्रोडक्ट पहुँचे, प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट पहुँचे, प्लस टेस्टी। आपको लगता है कि मतलब अदर, मतलब जैसे बगल के देश नेपाल हो या भारत के कोने कोने में कौन सी मदद मिलेगी जो बी टू बी के लोग आए और कमजोरी लोग आए? इंक्वायरीज आ रही है अभी, फोन कॉल भी आ रही है। यहाँ पे 15 दिन स्टॉल लगने के बाद, ये नहीं कि यहाँ से सामान जा रहा है, जो लोग लेके चले गए हैं, मैं 2-4 दिन पहले बी टू बी के लिए यहाँ रुकी थी, फिर मैं घर चली गई, तो यहाँ पे मेरे इम्प्लॉयज संभाल रहे थे, तो वहाँ में जो लोग लेके गए उन्होंने मेरे को वहाँ से ऑर्डर दे दिए, उनको मैं घर से कोरियर करवा रही हूँ सामान। मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ज्योति जी, गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं, कोई सब्सिडीज के मुतालिक आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और भी या गवर्नमेंट से कोई हेल्प इस इंडस्ट्री के लिए? मतलब मेरे को गवर्नमेंट से हेल्प है कि जैसे आप ट्रेन्स में भी जाते हैं, आपका फूड जाता है, उसमें थोड़ा हेल्दी प्रोडक्ट्स को थोड़ा लोगों को ध्यान दें कि हाँ आपके पास हेल्दी प्रोडक्ट्स, उनके पास ऑप्शन होने चाहिए लोगों के पास कि आप ये लेना चाहते हैं कि ये लेना, आपकी पॉकेट और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी आप प्रोडक्ट रखो। मैं नहीं कहती कि दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, बट एक हाँ हमें भी एक मौका मिलना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, अगर वो मार्केटिंग में या अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हमारे प्रोडक्ट्स मंगवाती हैं, उनकी हाइटिंग वगैरह होती है तो उस टाइम पे भी वो रखते हैं, तो एक तो हमारा होगा, एक वो लोगों का भी भला ही करेंगे, जहाँ तक प्रोडक्ट्स पहुँच रहे हैं उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करेगा, तो वो हेल्थ को विजन में लेके और साथ में अपने स्टार्टअप्स को ध्यान में रख के कि वो भी ग्रो करें। So this was Jyoti Gambhir with her line Delicious Bites. This is Pallab Ghosh with Ajit Kumar signing off from Radiance Media.